जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संबंधित विभागों के साथ जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि जनपद में चिन्हित 10 ब्लैक स्पॉट्स को 10 दिनों के अंदर सुरक्षात्मक कार्रवाई करे तथा प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय वाहन सुरक्षा समिति का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी महीना कोहरे का महीना है, जिसमें काफी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसे रोकने के लिए रिफ्लेक्टर हाईवे पेट्रोलिंग को बढ़ावा दिया जाए, उसी संबंध में बैठक की गई है। इस अवसर पर सीडीओ संजय कुमार मीना, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, आरटीओ अनीता सिंह, एआरटीओ संजय झा, एआरएम महेश चंद्र, बीएसए रामेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, सचिव कौन है? आप ही हो? अच्छा ठीक है, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। 15/6/2022 को हुआ, उसके बाद शासन का एक पत्र निर्गत हुआ जिसमें पीडब्ल्यूडी को नोडल विभाग नामित किया गया, जिनको सचिव नामित किया गया। मेरे साथ से आपके निर्देश पर मिला, उनको आपने सदस्य सचिव नामित किया, आपने कहा कि आपकी बैठक करा लें, तत्क्रम में सभी बैठक की जा रही है। सर 15/6 को जो बैठक हुई थी उसमें कुल 16 ब्लैक हुए हैं सर, काम शॉर्ट टर्म मेजर्स तो कुछ लिए गए हैं लेकिन सर वो बाकी नहीं। नहीं पहले तो 938 का रोड है वो, ओके हां फिर 938 इधर हमारे क्या है वहां इशू? वहां सर जो चौराहा है सर, वो चौराहा काफी कंजेस्टेड है और सर बनारस की तरफ से जो ट्रैफिक आती है प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं मिल पाती जी, ये दिक्कत है। दूसरा हमारे सिक्स लेन के प्रोजेक्ट में जो सुधारी कर रहा है इसी जी नहीं स्ट्रेटजी बनाए हम, जो सर ये साइड में जो इनपुट वगैरह उसको हटा देंगे और थोड़ी सी दूर से भी वो लग जाए एटलीस्ट लोगों को लगेगा कि यहाँ पे कुछ रोड मिल रही है या कुछ है, कोहरे में सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा का वहाँ पे। पोस्ट आता है उसके हमेशा ब्लिंक करता रहता है, ये तो कराई ब्लिंकर पोस्ट लगा आपका है ना, तो लगवा दीजिए। नीचे हमने स्पीड रिडक्शन मेजर लिया हुआ है और इवन लाइट की पूरी व्यवस्था हो गई है सर वहाँ पे, और साथ या ऊपर से जो उतरती है तो वो जब ऊपर से उतर रही है इधर से जा रही है लखनऊ तरफ से आ रही है तो वहाँ सर अक्सर पलट जा रही है, महीने में एक दो बार तो पलट नहीं जा रही है सर। तो उस चौराहे पे जो मेजर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि स्पीड वगैरह बढ़ा दी गई, कुछ कर दिया, सुपर एलिवेशन बहुत जीरो है, उससे क्या है कि जो हैवी गाड़ी आती है टर्न करती है तो वो अपने जिस डायरेक्शन को झुकना चाहिए वो झुक के बैठ रहती है, उल्टी झुकती है वो टर्न होती है, तो आपका इसका प्रयास हम लोग भी दे सकते हैं, तो बोले कि उसको सुपरविजन दे दीजिए उसको। तीसरा पॉइंट यहाँ सर जो टी बन रहा है तो उस पर रंबल स्ट्रिप वगैरह लग जाएंगे, किसका है ये स्ट्रीट टेबल हो रहा है ये रंबल स्ट्रीट बन जाए, ठीक है। अगला है सर ये कसरौल, कसरौल में सर बेड उगा हुआ है साइड पट्टी में रेंजर करते हैं ऊपर मैनेज पे तो रेंजर करते हैं ऊपर पे, इसका है आपके यहाँ तो रेगुलर होता है मैनेज पे तो रेगुलर होता है जो भी कुछ कटिंग होता है। मत संख्या 10 पर है धर्मशाला सड़क पर जहाँ डिवाइडर के मध्य पैच है इस कारण जहाँ जाम लग रहा है उसको हटाने के संबंध में सर, पैच आप क्या चाह रहे हैं हट जाए? हाँ जो पैच है सर मध्य में जो पैच है सर जो विशेष व्यक्तियों के आवागमन के बेसिकली ये रोड सेफ्टी के संबंध में था, तो जो जो ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित हैं एक तो उस पर सारे डिस्कशंस हुए हैं, 10 दिन के अंदर हम लोग शॉर्ट टर्म मेजर से उसको रिजॉल्व करा लेंगे। सेकेंड जो इशू है कि क्योंकि अगला महीना कोहरा का महीना है तो इसमें काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसको लेके जो रिफ्लेक्टर्स है जो हाईवे पेट्रोलिंग्स है उसको कैसे बढ़ाया जाए और एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज़ किया जाए, एक हर एक दिन प्रेशियस है, तो उस पर हम लोग इमिडिएटली कार्रवाई हम लोग शुरू कर दे रहे हैं।